तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 5 मोल कॉन्सेप्ट में पार्ट बी के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। देखो पार्ट ए के न्यूमेरिकल्स हमने किए थे इससे प्रीवियस लेक्चर में, तो उसको भी हमने सिंपल मेथड में बताया था। आज हम इसके पार्ट बी के जो न्यूमेरिकल वो भी बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड में बताएंगे आपको। तो देखते हैं पार्ट बी। इस पर जो हमारा पार्ट ए है और जो अदर लेक्चर्स हमने इस पर प्रिपेयर किए हैं बोर्ड के लिए, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जो भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट लेक्चर वाली सीरीज है उसको देख सकते हो। अब हम देखेंगे इसमें पार्ट बी में हमें किस टाइप के न्यूमेरिकल देखने हैं। तो देखो पार्ट बी के भी न्यूमेरिकल्स कुछ मतलब इस तरीके के हैं कि बच्चे इसमें कंफ्यूज रह रहे हैं, तो बस आपको एक फॉर्मूला बताया जाएगा। इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको, कोई भी क्वेश्चन आप कर लोगे पार्ट बी से। कैसे? इसमें रिलेटिव एटोमिक मास, रिलेटिव मोलिकुलर मास और यही हमारा ग्राम मास हो जाता है हमारा। अब एटोमिक मास आप सभी को पता ही है भी एटोमिक मास क्या होता है। जैसे कि हम बात करेंगे भी एटोमिक मास, अगर कोई एटम है तो उसका एटोमिक मास, और अगर कोई मोलिक्यूल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका मोलिकुलर मास। एटम कह रहा है कि भी ऑक्सीजन का एक एटम है, तो ऑक्सीजन का एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। देखो मोस्टली एटॉमिक मास क्या होता है, जितना इनका एटॉमिक नंबर होता है उसी का डबल होता है। जैसे ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पर, ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है हमारा, तो इसी का ही डबल क्या हो जाता है, इसका मास हो जाता है। तो मास को हम यू में, ठीक है, एटॉमिक मास को हम यू में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी का ही अगर मोलिक्यूल हो जाए, जैसे O2, ठीक है, O2 मोलिक्यूल है क्योंकि उसमें 2 एटम्स है, तो 2 और मोर एटम्स का कॉम्बिनेशन मोलिक्यूल बन जाता है। तो इस मोलिक्यूल का जो वेट होगा वही हमारा मोलिकुलर मास हो जाएगा, मतलब इसका। तो ये एटॉमिक मास और ये मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, तो मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, ये कितने हमारे 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 32। ऐसे करते हैं हम, जैसे कि हमारे पास क्या है, HCl है, HCl का हमें मास बताना है। तो भाई आप हाइड्रोजन का लेते हो, हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का 35.5 होता है। देखो मोस्टली आपको जो क्या होंगे मासेस होंगे वो गिवन करे होंगे, लेकिन आपको 20 तक जो भी हमारे एटॉमिक नंबर्स हैं उनको याद होना चाहिए। तो ये जाएगा हमारा 36.5। तो बस ये करना है इसमें सिंपल, इसको हम यू में करेंगे। अब इन्हीं को वो ग्राम में क्या देगा, ग्राम एटॉमिक मास क्या देगा, तो हम इसको ग्राम में ले लेंगे उसी मास को। अब फॉर्मूला कौन सा याद रखना, देखो ये तो बात हो गई सिंपल कि भाई एटॉमिक मास और ग्राम मास, ठीक है, क्या है यहाँ पर, इसी में सिंपल बात होगी कि भाई मोल कॉन्सेप्ट क्या है। मोल कॉन्सेप्ट में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो मोल कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, सिंपल सा मेथड बताया गया है कि भाई अगर एक एटम है और एटम का साइज बहुत ही छोटा है, तो उस एटम को हम यूज नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। तो हम क्या करते हैं, उसकी कुछ इतना अमाउंट लेते हैं, सफिशियंट अमाउंट जिसको हम इजिली यूज कर सकते हैं, उसी को हम 1 मोल कहते हैं। कि भाई 1 मोल, अब किसी का भी 1 मोल होगा वो किसके बराबर होगा, देखो जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जितना एटॉमिक मास होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अगर 1U है, तो इसके 1 ग्राम में 1 मोल बनेगा। और 1 मोल का मतलब है उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, 6.022, मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है, अब एटम भी हो सकता है, मोलिक्यूल्स भी हो सकता है। अगर हम एटम की बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 6.022 × 10²³। अब ऐसे एग्जांपल लो कि भी जरूरी नहीं कि सभी के 1 ग्राम में 1 मोल बनेगा। अब जैसे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4U, तो इसके 4 ग्राम, अगर आप इसका 4 ग्राम लोगे तब इसका क्या बनेगा, 1 मोल बनेगा। बात समझ में आ रही है, जिसका जितना एटॉमिक मास होगा उसके ग्राम मास के ही अकॉर्डिंग उसमें इतने नंबर ऑफ मोल्स, उसका 1 मोल बनेगा। मींस कि भाई अगर हीलियम का मास कितना, 4 ग्राम, मतलब 4U है, तो इसके 4 ग्राम अगर आप लोगे तो तब उसका 1 मोल माना जाएगा, क्योंकि उसके एटम्स का साइज बड़ा हो जाएगा और 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही। अब न्यूमेरिकल जो हमें करने हैं इसमें सिंपल, वो कैसे करने हैं, देखो मोल का एक फॉर्मूला बता देते हैं इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है यहाँ पर क्या, कि भी अगर आपको मोल निकालने हैं तो क्या करोगे, इसके 2 फॉर्मूले। तो या तो हम क्या कह सकते हैं, गिवन मास, ठीक है, जो भी गिवन मास है उसका जो भी हम यूज कर रहे हैं, अपॉन में इसका मोलिक्यूलर मास कह दो, इसका मोलर मास कह दो इन ग्राम, ठीक है, मोलर मास जो भी है इसका, ठीक है, तो ये भी या मोलर मास कह दो या मोलिक्यूलर या एटॉमिक मास इन ग्राम, यहाँ पर जो मास लेंगे वो क्या ले लेंगे, ग्राम में ले लेंगे। और यही किसके इक्वल होता है, यही ऑल्सो इक्वल होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में मतलब एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में कितना, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में कितना, 6.022, क्योंकि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 × 10²³। ये फॉर्मूला यूज करो आप, मोल फाइंड करना हो इससे मोल आ जाएगा, मोल गिवन किया हो, मास फाइंड करना हो, जो भी उसका मास ले रहे हैं वो करना हो, वो हो जाएगा इसमें। तो इसमें न्यूमेरिकल्स आप इससे कर सकते हो। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि भी किसी के भी 1 मोल में, किसी भी एटम का, किसी मॉलिक्यूल का अगर 1 मोल ले रहे हो, तो एसटीपी पर आप उसकी कितने वॉल्यूम लोगे, 22.4 लीटर, बस ये याद रखना है आपको। और 22.4 लीटर को हम क्या कहते हैं, 22,400 cm³ भी कहते हैं, बस ये बातें अगर आपको आती हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन की बात करेंगे हम, डायरेक्ट आपको बताएंगे भी क्वेश्चन किस तरह से करने हैं। तो ये तो सिंपल आपको क्वेश्चन आने चाहिए कि भी आप इसका मोलिकुलर मास कैसे निकालोगे। तो मोलिकुलर मास क्या होता है, सम ऑफ ऑल द मासेस ऑफ एन क्या हो जाता है हमारा जो कंपाउंड है। जैसे मान लेते हैं ये
तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई इसका मोलिकुलर मास बताओ CuSO4। अब जैसे डॉट 5H2 है, इसका मास बताओ आप। अगर कोई बड़ा एटम दे देगा, जिंक दे देगा, ऐसा दे देगा, लेड जिंक वगैरह, तो उसका मास वो एटॉमिक मास खुद देगा अगर वो यूज हो रहा होगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर कॉपर है, अब कॉपर का हमें नहीं पता, तो यहाँ पर कॉपर का वो देगा। जैसे यहाँ पर क्या रखा है, गिवन कॉपर का कितना 63.5, तो आप किस तरीके से इसका टोटल मास निकालोगे, 63.5 किसका हो गया, कॉपर का, प्लस सल्फर का कितना होता है 16 होता है 32 होता है, 16 पर तो आता है 16, प्लस 32 होता है किसका, सल्फर का। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है यहाँ पर। फिर यहाँ पर 5 का मतलब क्या है, पूरा हाइड्रोजन एटम है 5 है, तो आप क्या कर लो, 5 की मल्टीप्लाई पूरे हाइड्रोजन, जो ये पूरा मोलिक्यूल हाइड्रोजन का, इससे क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो इसके पूरे मास से। तो इसका पूरा मास कितना होगा, ऑक्सीजन का 16 और 2 हाइड्रोजन है, तो 16 और 2 18 मतलब 18। तो अब आप इसको सोल्व कर लो, टोटल आपका आंसर आ जाएगा जो भी आएगा, और उसको हम यूनिट क्या देंगे, यू। तो मोलिकुलर मास में हम यूनिट क्या देंगे, यू या फिर AMU लिखेंगे। बात समझ में आई हमारी, AMU या फिर यू लिखते हैं। तो अब हम मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, इसमें देखो किस टाइप के क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो सिंपल इसमें क्वेश्चन कर देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन, देखिए भाई ये तो है ही हमारा कि भी कैलकुलेट द रिलेटिव मोलिकुलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग, आपको इसका रिलेटिव मोलिकुलर मासेस फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर आ गया अमोनियम, प्लेटिनियम क्लोराइड, अब ये प्लेटिनियम से PTR आया, इसमें हमें नहीं पता क्या है इसका एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास देगा इसका, तभी हम इसको कर पाएंगे। तो वहाँ पर वो देगा तभी हम कर पाएंगे, क्योंकि हमें याद तो रखना नहीं है इतना, जैसे इसमें दिया नहीं है वो देगा यहाँ पर। तो आप इन क्वेश्चन को तो समझ चुके हो आप कैसे करने हैं, तो सिंपल है ये हमारे, कोई भी कर सकता है। जैसे आपको कैल्शियम कार्बोनेट करना है कि भाई यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका मास निकालना है। तो कैल्शियम कितने पर आता है, 20, 22 जो 40 होता है इसका, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो 3 से और मल्टीप्लाई कर दो 40, और ये कितना हो गया 52, तो ये हो गया Ne48 हो गया 100, तो 100 AMU कहते हैं यू। और यही मास अगर हम क्या करते हैं, ग्राम में एटॉमिक मास में निकालते हैं, तो ग्राम लिख देते हैं, मोलर मास इन ग्राम जी में ले लेते हैं, बस ये है। अब देखेंगे हमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन के भी, ये जो क्वेश्चन है हमारे, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे एग्जाम में। तो सिंपल देखो, अगर वो कह रहा है कि भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो इन 73 ग्राम्स ऑफ HCl, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, जो हम बात कर रहे थे कि भाई एक मोल में अगर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो हमने इसके कितने मोल लिए हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसका निकाल सके। तो देखो बस आप देखो कि भाई गिवन क्या है, गिवन क्या है कि 73 ग्राम क्या लिया गया है, एक्चुअल में हमने वे किया है किसका, हमने वेइंग की किसकी, HCl की, और 73 ग्राम क्या निकाल लिया हमने, HCl ले लिया। तो ये गिवन मास हो गया, HCl का गिवन मास जो हमने लिया है। अब इसका अगर हम मोलर मास निकाल लें भाई, अगर इसका मोलर मास निकाल लें ग्राम में कितना होगा, तो HCl का भी हमने निकाला था 36.5 होगा, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 36.5 होगा। अब याद करो, अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, तो फॉर्मूला लगाओ क्या, कि भी मोल इज इक्वल्स टू क्या होता है, मोल इज इक्वल्स टू क्या होता है, या तो क्या होगा हमारा गिवन मास अपॉन में मोलर मास इक्वल्स टू में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पर क्या होगा हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, अपॉन में 6. एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं इसे, 6.022 × 10²³। अब देखो हमें फाइंड क्या करना, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं एटम भी, अगर वो मॉलिक्यूल यूज हो रहा है तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, तो इसी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब कितने हो जाएंगे, पी हमने ले लिया यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। अब इसका गिवन मास क्या लिया है हमने, देखो अब ये जो फॉर्मूला है जो रिलेट हो रहा है पूरा, अब इसमें हम इस पार्ट को अभी यूज कर सकते हैं कि भाई क्या गिवन मास 73, मोलर मास कितना इसका 36.5, इक्वल्स टू में नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमें फाइंड करने हैं, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं यहाँ पर हम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं यहाँ पर हम, तो ये हमारा क्या होगा 6.022 × 10²। बस आप इसको सोल्व कर देखो, 36 × 72 मीन्स ये कैंसिल कर रहा है इसको टू टाइम्स में, तो ऊपर 2 बचेगा, यहाँ कैंसिल करोगे ऊपर 2 बचेगा नीचे पर, तो 2 बचेगा। अब ये इधर अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, इधर अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10²³ इक्वल्स टू में यहाँ पर हो गए हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके। 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है हमारा 12.44 × 10²। तो बस यही हमारे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे हमारे पास, कितने 1.244 × 10²। इसका आंसर देख सकते हैं हम, ये आंसर आ रहा है हमारा 1.2 × 10²। फिफ्थ में फर्स्ट वाला आंसर हमारा आ रहा है कितना, ये आ रहा है हमारा पर लेकिन अगर हम इसको देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1.2 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कितना 12, ठीक है 12.44 × 10²। लेकिन इस 12 जो हमारा आंसर आया 12.44 × 10², इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स इस पॉइंट को यहाँ पर लेके आएंगे, आप एग्जाम में ऐसे छोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है एग्जाम में ऐसे छोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं, यही आंसर है। लेकिन इस पॉइंट को अगर इधर किसका आना है और छोटा करना है इस वैल्यू को, तो 10 से क्या कर दो डिवाइड, 10 से डिवाइड करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना होगा,
इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 1.44 हो जाएगा और ये 10^24, इसलिए ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हमारे, वो इस तरीके से फाइंड किए हैं इसने। आ रही बात समझ में? तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे भाई, इस रिलेशन से काफी क्वेश्चन हमारे सोल्व हो जाएंगे। जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कह रहा है कि भाई नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, या फिर ये वाला देखो, वेट ऑफ 0.5 मोल ऑफ O2, वेट निकालना, मोल दे रखे हैं इस बार, तो मोल वाला फॉर्मूला लगाओ। मोल हमें क्या दे रखा है, मोल, देखो मोल दे रखा है हमें, और हमें इसका वेट फाइंड करना, गिवन मास हमें इस बार फाइंड करना, क्योंकि मोल जो मोलिकुलर मास है जो हम फाइंड करते हैं इसका, ये जो मोलिकुलर मास फाइंड करते हैं, तो हम आसानी से निकाल ही लेंगे। O2 का 32 होगा, तो ये नहीं पूछेगा वो कि भी O2 दे दिया और वो कह देगा मोलर मास निकालो, नहीं, वो क्या बोलेगा हमसे, वो बोलेगा हमसे कि इसका मास हमने एक्चुअल में कितना लिया, अगर हमने 0.5 मोल लिया है तो कितना मास लिया है इसका। देखो कॉमन सेंस से हम निकाल सकते हैं, वैसे साफ साफ पता चल रहा है कि भाई इसका अगर हम 32 ग्राम लेंगे, क्योंकि 32 ग्राम लेंगे तो एक मोल लेंगे, तो अगर 0.5 मोल, आधा मोल ले रहे हैं तो 16 ग्राम लेंगे, 16 ग्राम आंसर आएगा। लेकिन आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हो, यहाँ पर गिवन मास और यहाँ पर मोलर मास, मोल कितने 0.5, गिवन मास हमें फाइंड करना और मोलर मास कितना आ रहा है 32। वन देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, पॉइंट हटाओगे, मतलब इस 0.5 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 भी तो लिख सकते हो, 32 इधर आकर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना जाएगा, ये गिवन मास हमारा जाएगा 16, तो 16 ग्राम हमने मास लिया होगा किसका, ऑक्सीजन मोलिक्यूल का। ये है बस इसमें सिंपल। अब देखो बात समझ में आ रही होगी, बात समझ में आ रही होगी, तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे, सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसे आप एक और क्वेश्चन देखो इसमें, जैसे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, तो वही है कि गिवन मास दे रखा है, आपको उसे क्या करना, मोलिक्यूल फाइंड करना, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, जैसे कि भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, डी वाला पार्ट देखो। और इसका अगर डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, उस पर भी हमने लेक्चर बना हुआ, हर एक आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने, ये रहा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हम दो तरीके से निकाल सकते हैं क्या, या तो हमें गिवन मास अपॉन मोलर मास दिया हो, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन क्या दिया हो, एवोगाड्रो नंबर दिया हो, ठीक है, ऐसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। और वॉल्यूम के टर्म्स में भी हम इसको वैसे फाइंड कर सकते हैं कि अगर वॉल्यूम हमारी वन मोल में कितनी होती है 6.022, यहाँ पर गिवन वॉल्यूम अपॉन में जो कि वॉल्यूम होती है हमारी, अभी हमने बात की थी इस पर, कितनी वॉल्यूम होती है हमारी 22.4 लीटर होती है, ऐसा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं हम कि भी गिवन वॉल्यूम, मतलब जो हमें वॉल्यूम निकालनी है फिर दे रखी है, अपॉन में 22.4 भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो डी में कह रहा है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, देखो अगर मास गिवन कर रहा है तो गिवन मास 10 ग्राम, और इसका भी अभी हमने मोलर मास निकाला था, मोलिकुलर मास किसका कितना निकला था हमारा 100 निकला था, अभी CaCO3 का अभी हमने मास निकाला था, अभी CaCO3 का, तो कितना आया था हमारा 100 आया था, देखो ये रहा, ये हमने फाइंड किया था CaCO3 का 100 आया था, तो 100 हम इसमें ग्राम ले लेंगे मास। तो अगर हम इसमें 100 ले रहे हैं तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, 0.1 मोल्स, ओके, तो 0.1 मोल्स आ जाएंगे इसके। डी पार्ट है इसका, फिफ्थ का डी पार्ट, तो फिफ्थ के डी पार्ट में सही है 0.1 मोल, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इन क्वेश्चन में डरना नहीं है बिल्कुल, बस इस तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, 3.2 ग्राम ऑफ SO2 गिवन किया है, तो वही फॉर्मूला जैसे हमने फर्स्ट वाले में किया है, ये वाला रिलेशन लगा देंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसका मोलर मास निकाल के नीचे, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म, सिंपल सी बात है इसमें। अब जैसे सिक्स वाला की विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वेट मोस्ट, इसमें से किसका ज्यादा वेट होगा, वन मोल ऑफ H2O का होगा, वन मोल ऑफ CO2 का होगा, वन मोल ऑफ NH3 का होगा, तो अगर वन मोल से ही कंपेयर करना है हमें भाई, इनका फाइंड करना, हमें ये मास फाइंड करना है इसका। देखो गिवन मास बोल दो इसे, या फिर हम जो भी मास निकाल रहे हैं वो रिक्वायर्ड मास बोल सकते हो, ठीक है, ये मास फाइंड करना, ये तो सभी का होगा ही, लेकिन वन मोल में कितना मास होगा सभी का, जितना इनका मोलर मास होगा, तो बस इनका मोलर मास निकाल दो भाई, इनका मोलिकुलर मास निकाल दो, तो इनका जो मोलिकुलर मास होगा ग्राम में, वही क्या होगा, इनका वन मोल में मास होगा। तो सिंपल भाई, किसका ज़्यादा आएगा इसमें, अमोनिया का नहीं आ रहा, हाइड्रोजन का 18 आ रहा है इसका, 14 और 3 17 आ रहा है, CO2 का 12 और ये 16 यानी 32, तो इसमें आ रहा है बी में हमारा, देखो 32 ये और 12 ये, तो 32 और 12 ये आ जाएगा 44 बी में, ठीक है, 44, तो 6 का कितना आ रहा है, बी आ रहा है हमारा, सही है, 6 का बी आंसर आ रहा है, क्योंकि इसका 44 आएगा सबसे ज़्यादा इसी का ये मास। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो सभी को 4 ग्राम में ही आपको देखना है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ से फाइंड कर सकते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास रखो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर लो, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो किसके ज्यादा आ रहे हैं, बस सिंपल ये है हमारा क्वेश्चन। या फिर देखो इसमें हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं क्या, कि भी अगर हम जितने नंबर ऑफ मोल जिसके ज्यादा होंगे उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके ज्यादा होंगे, जैसे भाई इसका ये एक मोल है, एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ये होते हैं, तो अगर जिसके भी नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसी के ही क्या हो जाएंगे हमारे पार्टिकल्स भी ज्यादा होंगे, मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे। तो देखो
यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स किसके ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखो गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास सभी के लिए 4:4 है, तो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसकी वैल्यू आएगी कम, उसके मोल्स आएंगे कम। समझ रहे हो आप इस बात को, क्योंकि गिवन मास ऊपर रखेंगे, अब मोलर मास नीचे रख रहे हैं, नीचे वाली वैल्यू जितनी बड़ी वो आंसर उतना छोटा आएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा मास किसका आ रहा होगा, CO2 का ही आ रहा है क्या, या फिर SO2 का आ रहा है, SO2 का आ रहा है, क्यों, सल्फर खुद 32 हो जाएगा हमारा, और ये 32 से 32 64, मतलब 64, तो 64 से इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे छोटी वाली वैल्यू ये आएगी हमारी। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम छोटा मास देखेंगे, सबसे छोटा कम मास किसका आता है, इसका 32 है, 16 दूनी 32, इसका है देखो 14, नाइट्रोजन का कितना जाएगा 14, और हाइड्रोजन 3 है तो 17, सबसे छोटा मास इसका है 17, तो इसलिए इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होंगे, बी आंसर आ रहा होगा इसका, 7 का बी सही है। देखो बिना सॉल्यूशन कर दे, क्योंकि MCQ था हमारे पास, तो ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल इनके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, ऐसे कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब वही है, गिवन पार्टिकल्स फाइंड करने इन 0.1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, तो 0.1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे भाई, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाले का ही तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, और मोल्स की बात कर रहे हो तो इन दोनों को रिलेट कर लो, क्या इवन नंबर ऑफ मोल्स हमारे किसके इक्वल हो जाएंगे, गिवन पार्टिकल्स अपॉन में एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻³। अभी कितने मोल्स में कह रहा है, 0.1 मोल्स में कह रहा है, तो 0.1 मोल यहाँ ले लो, इक्वल्स टू में यहाँ पर गिवन मतलब गिवन पार्टिकल्स अपॉन में 6.022 × 10⁻³। इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो, 0.1 × 6.022 × 10⁻³। इक्वल्स टू में गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 10 से डिवाइड कर लो, एक कैंसिल हो जाएगा, तो 6.022 × 10⁻²। बस ये हो जाएगा हमारे पास गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो बिल्कुल नहीं डरना, बस इस रिलेशन को याद रखो आप, सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भाई क्या है, मोल किसके इक्वल है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। बस ये आपको कंप्लीट, कोई भी आपका क्वेश्चन आ जाए इसको करने के लिए सफिशियंट फॉर्मूला है हमारा। जैसे ये कह रहा है कि भाई हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Al आर प्रेजेंट, मतलब एल्यूमिनियम प्रेजेंट इन 0.2 मोल ऑफ इट, तो कितने ग्राम, ग्राम फाइंड करना मीन्स गिवन मास फाइंड करना है, मोलर मास हम फाइंड कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का 23 होता है, 23 होता है एल्यूमिनियम का, 13 × 13 = 26 26 होता है एल्यूमिनियम का, तो 26 होता है, 26 या 27 के नियर बाय, तो 27 होता है मे बी, हाँ तो 27 ठीक है, तो 27 ले लेंगे और उसे फाइंड कर लेंगे। तो ऐसी HClR प्रेजेंट इन 0.1 मोल, अब 0.1 मोल के लिए हम क्या करेंगे भाई, हमें गिवन मास निकालना है, मोलर मास हम यहाँ पर रखेंगे और उसको नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल कितना जाएगा हमारा, एक गिवन मास आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, करके देखते हैं क्वेश्चन कि वैसे HCl है, HCl के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है हाउ मेनी ग्राम्स, ग्राम्स फाइंड करना है, तो हाउ मेनी ग्राम्स के लिए यहाँ पर मोल और यहाँ पर गिवन मास अपॉन में मोलर मास, मोल्स कितने हैं HCl के लिए 0.1 मोल, 0.1 मोल का मतलब वही 1/10, यहाँ पर गिवन मास हमें फाइंड करना है और मोलर मास कितना होगा HCl का 36.5 होगा, अभी हमने किया था फाइंड, अब इसको कर लो इधर मल्टीप्लाई, 36.5 इक्वल्स टू में गिवन मास फाइंड कर लो, तो पूरा लिखना है आपको गिवन मास, यहाँ पॉइंट हटाओ नीचे 10, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट और आगे हो जाएगा कितना हो जाएगा 3.65, और छोटी हो जाएगी वैल्यू, तो यही क्या हो जाएगा 3.65 क्या हो जाएगा इसका गिवन मास हो जाएगा, तो 3.65 क्या हो गया इसका गिवन मास हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9th का ही सेकंड पार्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9th का ही सेकंड पार्ट, तो क्वेश्चन नंबर 9th का ही सेकंड पार्ट आंसर मैच कर रहे हैं अगर हम इसमें, तो सही है 3.65 सही आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट। बस इस टाइप के ही ये क्वेश्चन है। अब देखो इसमें कुछ पी वाई के क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम, तो देखो इसमें अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये पी वाई क्यू में आया हुआ है, कह रहा है कि मास ऑफ 5.6 लीटर ऑफ अ सर्टेन गैस एट STP इज 12 ग्राम, व्हाट इज द रिलेटिव मोलिकुलर मास और मोलर मास ऑफ द गैस, गैस का मोलर मास क्या होगा ये बताना है आपको। तो देखो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, गिवन मास मोलर मास, गिवन मास हमें दे रखा है 12 ग्राम, लेकिन हमने बात की थी कि भाई क्या, अभी हम बात कर रहे थे कि भाई एक मोल में कितने कितने लीटर होती है हमारी, वन मोल में कितने लीटर कितने लीटर गैस होगी, यहाँ पर हमारे कह रहा है कि गैस है या फिर कुछ मॉलिक्यूल्स के वेपर है, तो यहाँ पर कितना होगा हमारा वन मोल में, वन मोल के इक्वल होगी हमारी 22.4 लीटर। अब वन मोल कितने में होगा, वन मोल कितने में होगा किसका, STP 12 ग्राम क्या है हमारे पास, मोलर मास ऑफ गैस, तो यहाँ पर कह रहे हैं मास ऑफ 5.6 लीटर ऑफ सर्टेन गैस, कोई भी गैस है वो कितनी है 12 ग्राम है,
भाई 12 ग्राम किसके लिए? 5.6 लीटर के लिए, 5.6 लीटर के लिए 12 ग्राम, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है सर, व्हाट इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोलर मास ऑफ द गैस, तो मोलर मास ऑफ द गैस होगा कितना इसका ये बताना है। तो यहाँ पर क्या 5.6 लीटर 12 ग्राम के लिए, तो 1 लीटर के लिए कितना होगा, 1 लीटर के लिए कितना होगा 12/5.6 ये हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना है 22.4 लीटर के लिए, 22.4 लीटर के लिए निकालेंगे हम, तभी हमारा क्या आएगा 22.4 लीटर किसके लिए है हमारा, इस 1 मोल के लिए, और 1 मोल ही किसके बराबर होता है, उसके मोलिकुलर मास के इक्वल होता है। तो बस हम क्या करेंगे यहाँ पर 22.4 इंटू में 12/56 कर देंगे। अभी से सोल्व कर लो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो रहा है, इसको करके देख लो कैंसिल कितने टाइम्स में हो रहा है, 4 से हो रहा है क्या, यस 4 से हो रहा है। देखो 4 1 4 4 8 16 होते हैं, 4 4 1 4 और 4 4 16, ठीक है 4 1 4 16 आ गया, और 4 4 16, 4 से कैंसिल करूँ 4 5 24 6 24, 14 से कैंसिल हो रहा है, देखो 14 4 जा और 12 3 जा कितना हो गया हमारा 36, तो 36 ग्राम 12 4 48 होते हैं, क्या हो रहा है कैलकुलेशन, तो 48 ग्राम, तो 48 ग्राम क्या होगी, वो गैस होगी हमारी, बात समझ रहे हो आप, कि भाई इसका मोलर मास कितना होगा 48 ग्राम होगा, ये करना है इसमें सिंपल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, लेकिन इसको हम ऐसे भी कर सकते थे क्या, कि भाई गिवन मास अपॉन में मोलर मास ऑल्सो इक्वल होगा हमारे पास गिवन वॉल्यूम अपॉन में इसकी जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम होती है 22.4, ऐसे भी कर सकते हो आप इसे, कैसे भाई, गिवन मास हमारा 12 ग्राम है, मोलर मास हमें फाइंड करना है इसका, गिवन वॉल्यूम है 5.6 और ये जो हमारी स्टैंडर्ड वॉल्यूम होती है 1 मोल के लिए होती है 22.4, अभी से कैंसिल करके देख लो वही आएगा सेम। देखो इसको कैंसिल कर रहे हो आप, वैसे अभी हमने कैंसिल किया था, इन दोनों कैंसिल किया था, ये आ रहा था 4, तो इसको 4 टाइम्स में कैंसिल कर रहा है, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास इधर जाएगा 48 ग्राम, यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा मोलर मास, बस ऐसे ही तो करना है इसमें सिंपल, ये है इसमें क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो बस इस टाइप के ही सारे क्वेश्चन है, ऐसे ही आप ये कोई भी क्वेश्चन इसमें कर सकते हो, लेकिन इसमें जैसे यहाँ पर अभी ग्राम 14 वाले क्वेश्चन में कह रहा है, ये तो आप कर ही लोगे, यहाँ पर सिंपल से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जैसे ये कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, सिर्फ इसमें ऑक्सीजन एटम, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा हमारा कि पहले हम इस पूरे मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ, मतलब इस पूरा जो हमारा कंपाउंड है इसके पूरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, इसमें ऑक्सीजन कितनी है हमारी, ऑक्सीजन कितनी है 10 ये और 3 ऑक्सीजन ये, तो 13, तो 13 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके टोटल नंबर ऑफ क्या जाएंगे हमारे पास, एटम जाएंगे ऑक्सीजन के, अगर हम ऑक्सीजन एटम निकालना है। लेकिन ग्राम ये कह रहा है कि ग्राम एटम्स इन 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम, ग्राम एटम आपको क्या फाइंड करना है इसमें, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने इन 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम, तो नंबर ऑफ एटम्स आप फाइंड कर सकते हो सिंपल, वही गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये फॉर्मूला लगाकर, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगाड्रो नंबर 23, हमारे पास क्या है भाई 4.6 ग्राम सोडियम है, मीन्स गिवन मास है, गिवन मास 4.6 ग्राम, मोलर मास ऑफ सोडियम कितना होता है 23 होता है, अपॉन में एक गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमें फाइंड करने हैं, और ये वैल्यू है हमारे पास, तो हम क्या कर देंगे इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.80 ये कैंसिल कर रहा है, 2 इसे कैंसिल कर रहा है, 5 इसको यहाँ पर डिवाइड कर दो हो जाएगा ये, तो सिंपल अगर हम इसे 2/10 ही रहने देते हैं, और 6.022, देखो कैलकुलेशन भी आपको इस तरीके से करनी है कि भाई सिंपल हो जाए, अगर हम इसे कैंसिल कर लें 5, फिर 5 से डिवाइड करोगे तब प्रॉब्लम आएगी, इससे अच्छा है कि भाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.022 आ जाएगा हमारा, 12.022 आ जाएगा, और इंटू में 10 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 1.2 इंटू 10^23 आ जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा हमारा, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन सिंपल। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं, तो सिंपल आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें, ज़्यादा आपको इसमें करने भी नहीं है, सिंपल अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं ना बस इनफ है, इसी टाइप के एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको, तो ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा पार्ट बी इसमें। वैसे हमने देखो जो इसमें नेक्स्ट पार्ट है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला वगैरह जो परसेंटेज कंपोजिशन, सिंपल ही बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है ये भी, इसको भी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर देंगे, अभी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपने देखे और उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो बेकार है, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करके जाएं, तभी आप वहाँ पर कर पाओगे, वरना एग्जाम में आप कर ही नहीं पाओगे, कितने ही वन शॉट देख लेना, कितने ही लाइव क्लासेस 24 घंटे देख लेना, कोई भी काम की नहीं आएगी जब तक आप खुद से आप उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, इसलिए खुद से रिवाइज करें तभी आपको वो
बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में, वरना कुछ भी याद नहीं रख पाओगे। आपको लगेगा कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन आता आपको कुछ नहीं होगा, आप इसे फील कर सकते हो, या फिर आपने फील भी किया होगा जो भी आप एग्जाम दे के आ चुके हो अब तक। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे इस पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।